चलते ही आपने क्या क्या चीज़ें सोची और फिर क्या क्या स्टडी किया आपने, इन चीज़ों के बारे में सोचा, पुरानी फिल्में देखी हुई, कुछ पढ़ा हुआ? ये सब्जेक्ट मुझे दिया गया राज्यसभा चैनल के जो CEO हैं गुरदीप सिंह सफल साहब, वो आए, वो मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि हम इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे इतिहास वैसे ही बहुत पसंद है, और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आज के समाज में मुझे अपना हीरो दिखता नहीं, इस समाज में मेरा हीरो नहीं है, तो पास्ट में ही जाना पड़ता है, वहाँ से हीरो उठाने पड़ते हैं, और आज के समाज में नौजवानों को दिखाना पड़ता है लोग ऐसे थे तो आप उनसे इंस्पायर हों। तो ये कहने का, ये दिखाने का मौका मुझे इस फिल्म से मिल रहा है, तो मैंने तो लपक के सब्जेक्ट चुन लिया कि मैं इसको तो करूँगा, मैं ही करूँगा। और जहाँ तक इसके रिसर्च की बात है, बहुत रिसर्च की है मेरी पूरी टीम ने, 7-8 महीने की रिसर्च है, फिल्में भी देखी हैं, हिंदी में बहुत सारी फिल्में इस पीरियड पर बहुत ज़्यादा बनी नहीं हैं, लेकिन बाहर की विदेशी फिल्में, कुछ टेलीविज़न शोज़, पैसिफिक करके एक शो आ रहा है स्पीलबर्ग का, बैंड ऑफ ब्रदर्स, सेविंग प्राइवेट रायन, और कुछ कोर्ट मार्शल वाली फिल्में, जजमेंट एट न्यूरमबर्ग, ये फिल्में देखी रेफरेंसेस के लिए, और बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो ये हमारा रिसर्च बैकअप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा था कि वकालत आपके फोन में जी रंजी हुई है और मिली हुई जी, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होंगे फिल्म जो हम आपके जो आपके लाइफ से लिए गए हैं या फिर कुछ एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, लाइव से तो नहीं, बिकॉज ये तो हिस्टोरिकल है, तो जो भी हम लोग, वी आर गोइंग टू बी वेरी ट्रू टू द फैक्ट्स। वकालत तो मैंने इसलिए बोला कि मेरे फादर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, मेरे बड़े भाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज हैं, सब पहले लॉयर्स थे फिर जज बने, तो मैंने वकालती माहौल से मैं थोड़ा वाकिफ हूँ, तो यही, और ये ट्रायल ही हो रहे हैं, कोर्ट मार्शल का जो सेट है अपने अंदर देखा, तो मुझे पता है कैसे क्या जो तमीज़ होती है वकाल, एक अदालत की तमीज़, उसका मुझे थोड़ा सेंस है बस, और कोई बात नहीं। ऐसे सब्जेक्ट में सबसे मुश्किलात कहाँ आती है, किन चीज़ों को दर्शाने में आती है, क्या वो चरित्र निर्माण करने में आती है, लोगों को ढूंढने में आती है, या फिर अपनी बात कहने में आती है? बात कहने में आती है, स्पेशली अगर आप हिस्टोरिकल करें, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये बात मैं कह दूँ, हमने तो मजाक में कह दी, कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए, किसी का परिवार वाला या कोई इतिहासकार या कोई नेता पॉलिटिशियन, बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, तो वहाँ पे आप कभी कभी ड्रामा क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर आप जूझते हैं उससे, कहीं वहाँ से नहीं तो कहीं और से क्रिएट, तो वो चीज़ें में कि इश्यूज़ बहुत सेंसिटिव हैं, ये ऐसे कहानी तो है नहीं कमरा बंद की और कहानी लिख ली, तो कभी कभी आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को दिखाएँ। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू सिगरेट पीते थे, सुभाष चंद्र बोस सिगरेट पीते थे, अब अगर मैं उनको पिक्चर में दिखाऊँगा, मैं दिखाऊँगा ज़रूर क्योंकि पीते थे, अब देखना फिर उसमें कई लोग खड़े हो जाएंगे कि आप ऐसे कैसे दिखा रहे हैं, मैंने कहा तस्वीरें हैं, पीते हुए सिगरेट देख रहे हैं आप, आपको तमाम इमेजेस मिल जाएंगी, किताबों में लिखा है। जी सर, द लास्ट क्वेश्चन इज के जब आपने ये टॉपिक सुना तो सर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एक सीन को डायरेक्ट करने के बाद आप सोचते हैं कि इसको एक नए तरीके से लिया जाए और वो चीज़ उभर के नहीं आ पाती है, तो उस दौरान आप कैसे आप कन्विंस कर पाते हैं आप खुद को भी और अपने एक्टर्स को भी और अपनी ऑडियंस को भी? ये मेरे साथ ये दिक्कत आती है, सभी के साथ आती होगी सभी, लेकिन क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी होती है, अब जितनी फिल्म बनाई मैंने खुद ही स्क्रिप्ट लिखी है, साथ में किसी के, कभी कभी अकेले भी, तो जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो एक्चुअली आपकी फिल्म पेपर पर बन रही होती है, और फिर उसमें अगर कुछ गलत है तो आप उसको मिटा करके दोबारा लिख सकते हो, तो उसमें पैसा नहीं खर्चा हो रहा कि सिर्फ कागज़ काले करने, तो वो मैं कर खुद ही लिखता हूँ, तो उस प्रोसेस से गुजर चुका होता हूँ, इवेंचुअली उसको एग्जीक्यूट ही करना पड़ता है, तो ये थोड़ी सहूलियत मुझे मिली हुई है क्योंकि मैं राइटर भी हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत शूटिंग के वक्त नहीं आती। सर इसके अलावा आप क्या क्या कर रहे हैं और या फिर यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कुछ कर भी रहे तो प्लीज़ हमें बताएं कि क्या क्या आने वाला है? मेरी अगली फिल्म आने वाली है अक्टूबर में, 14 अक्टूबर, उसका नाम है यारा, वो चार दोस्तों की कहानी है, उसमें विद्युत जामवाल है, श्रुति हसन है, अमित साध है, एक विजय वर्मा एक एक्टर हैं, तो ये चार दोस्तों की कहानी है, जब वो 10 साल से लेकर के वेन दे रीच 60 ईयर्स, और इन्हीं यंग लड़कों ने ही ओल्ड एज भी प्ले किया है, तो मज़ा आएगा ऑडियंस को देखने में, तो ये चार दोस्तों की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की कहानी है, जर्नी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।